चलो सबसे पहले पेट्रोल डलाया है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं, अब पेट्रोल डलवा लें। तो भाई हम लोगों ने यहाँ से पेट्रोल डाला चुके हैं, लोग उमरिया से निकल चुके हैं उचहरा मंदिर के लिए, माता रानी के मंदिर के दर्शन के लिए, आपको दर्शन कराने के लिए, जो कि उमरिया से 25 किलोमीटर है और नरोजाबाद से 5 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहें तो आपको नरोजाबाद स्टेशन है यहाँ से, जो कि 5 किलोमीटर है, वहाँ से आने की सुविधा भी है, ऑटो चलती है। और अगर आप उमरिया से आना चाहें तो उमरिया से भी बस आपको मिलेगी, जो कि मंदिर के धाम से आपको जो रोड की दूरी है वो 1 किलोमीटर यहाँ से आने जाने की व्यवस्था है, ऑटो का साधन है, आप आ सकते हैं। देखा जैसे कि आपने, हम लोग बच गए हैं, फाटक बंद होने वाला था, निकलने की कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पाए, तो फाटक बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग फाटक के पास रुके हुए हैं। अब एक भुट्टे की दुकान नजर आ रही है, चलिए बात करते हैं उनसे, देखते हैं भैया कितने का दिए हैं। 20 रुपए का एक दीजिए ना, एक बढ़िया। तो भाई भुट्टे का भी अपना लगा है, नमक और नींबू दोनों लगा देना भैया। 20 रुपए का एक भुट्टा दे रहे हैं भैया, ताजा दीजिएगा बिल्कुल। फाटक खुल चुका है, दो ट्रेन क्रॉस होने के बाद अब फाटक खुला है और आप देख रहे हो कितना जाम लग गया था यहाँ पे। लोग भाई करके लिए पहुंच गए, दोस्त का मैंने चाय पीने का, तो रुकेंगे चाय पीने। लो भाई दुकान के अंदर आ गए चाय पीने के लिए, चाय ऑर्डर करते हैं और देखते हैं खाने के लिए क्या है यहाँ। भाई पीछे दुकान में पूछा चाय, भाई ने मना कर दिया, बोले चाय नहीं है, चलो आगे देखते हैं। देख पा रहा हूँ भाई, तो भाई पे कितना ट्रैफिक है, जो पीछे ट्रक चाय है चाचा नहीं है, आगे नहीं पता, वो बोल रहे मेरे पास भी नहीं है, उसको आगे भी नहीं पता चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो शायद यहाँ चाय मिलेगी, कर दो क्रॉस कर दो यार, रोड क्रॉस करने बड़ा मैटर देखना पड़ता है। चाय भैया चलो भाई, चाय मिल गई है, अकेली छोड़ के आने चाय मिली है। भाई समोसा दिए, किसी को समोसा खाना तो खा सकते हो, देखो बढ़िया गर्म गर्म समोसा। लो भैया चाय, अभी टेस्ट करके देखते कैसी है, बढ़िया है। चाय पीते पीते बारिश होने लगी भाई, अभी हल्की हल्की बारिश लगी, चलो देखते हैं, चलते हैं, भीग जाएंगे और क्या होगा, थोड़ा सा पानी चलता है। तो भाई फिर से निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। तेज हो गई, फिर से रुक गए, रुकने कोई साधन नहीं तो पेड़ के नीचे ही रुकना पड़ेगा। सुबह से बारिश का मौसम, पानी तो गिर ही रहा, क्या कर सकते, बारिश फिर से तेज हो गई, हम लोग झोपड़ी के नीचे आगे रुक गए। पानी बंद हो गया, फिर से चल दिए हम लोग। तो भाई आप लोग सामने देख रहे होंगे कि हम लोग उचहरा धाम के पास आ चुके हैं। घुमा के गाड़ी उस तरफ लगानी, घुमा के, वो एक भाई थे पीछे शायद यहाँ के देख रेख वाले होंगे, उन्होंने बताया कि गाड़ी यहाँ से घुमा के लगानी है, यहाँ जो पार्किंग है फोर व्हीलर पार्किंग है ये, तो हम लोग यहाँ से घुमाएंगे गाड़ी और उस तरफ लगाएंगे, वो वहाँ से ले जाना। भाई हम लोग फाइनली उचहरा धाम आ चुके हैं ना, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे, अंदर आपको दिखाएंगे, माता रानी के दर्शन भी कराएंगे अंदर जाके। गाड़ी पार्क कर दी, अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रसाद की दुकान जा रहे हैं, प्रसाद ले लें, तो हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं।
जूते चप्पल यही रखना है भाई, यहाँ जूते चप्पल स्टैंड बना हुआ, यहाँ जूते चप्पल रखना है। तो हम लोग भी अब यही अपने जूते चप्पल उतार के अंदर जाएंगे। जूते चप्पल हमने यहाँ पे रख दिए, मंदिर के सेवक हैं, अभी हम मंदिर की तरफ जाएंगे। भाई फिर से बारिश चालू हो गई है, फिर से पानी गिरने लगा है यार। मौसम में बारिश का तो पानी तो गिरेगा, ये तो है, पर इससे हम लोग रुकेंगे नहीं, आपको निरंतर वीडियो पहुंचाते रहेंगे आप तक। देखो तो बारिश तेज हो गई भाई, देख रहे होंगे आप लोग, हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। यह गेट है, मेन गेट मंदिर के अंदर जाने का। जय माता दी महारानी। मंदिर के अंदर आ चुके हम लोग, जो चेहरा माता का मंदिर है, और ये आप देख पा रहे होंगे उनके लिए भी पूरा मंदिर का परिसर है। जो माता रानी है वो यहाँ पे विराजमान है, ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, माता रानी है हमारी माँ और चेहरा वाली। तो यहाँ पे जो माता रानी का उद्गम हुआ है वो एक करौंदे की झाड़ के नीचे हुआ है, और सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। तो जिसकी भी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पे पूरी होती है, और आपकी जो भी समस्या है उसका यहाँ पे निवारण किया जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पूरे उचहरा के आसपास, जो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो यहाँ से नरोजाबाद हो गया, उमरिया हो गया, कटनी हो गया, या शहडोल हो गया, चारों तरफ ये मंदिर बहुत फेमस। ये उचहरा धाम का प्रसाद वितरण केंद्र है। तो लगभग मान लीजिए कि पूरे साल यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। हमने प्रसाद ले लिया यहाँ पे माता रानी का। तो अभी यहाँ तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे प्रसाद के रूप में ये खीर दी गई है, और यहाँ पे ये देखिए आप खीर दी गई है। चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम लोग मंदिर परिसर के बाहर आ चुके हैं, तो ये कैंटीन के अंदर आ गए। भैया चाय मिलेगी क्या? जी मिलेगी। पिएगा भाई चाय? दो चाय दे। पानी बंद हो चुका है भाई, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत पानी गिरा, बहुत जमाजम बारिश हुई, मजा आ गया। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा माता रानी के दर्शन में? आपको अगर आप जय माता दी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं